Hey guys, so today we are going to start with the last part of the chemical bonding. आज हम लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग करनी है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द हाइड्रोजन बॉन्ड. अच्छा मेरे बच्चों, मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में से सबसे ज्यादा जो है वो स्ट्रॉन्गर होती है जी. और जिन चीजों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू द मॉलिक्यूल्स विच आर हैविंग इंड्यूस्ड डाइपोल डाइपोल और परमानेंट डाइपोल डाइपोल. तो ये कंपेरिजन के तौर पर सबसे ज्यादा जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होती है. ठीक है जी, उसको लिखते हैं द स्ट्रॉन्गेस्ट. इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. And the substances having hydrogen bond have high melting point and boiling point than others. ठीक है, अदर्स में जो है वो इंड्यूस्ड डाइपोल डाइपोल आ जाती है और परमानेंट डाइपोल डाइपोल दोनों आ जाती है. तो ये सबसे ज्यादा जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होती है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ होती है ना वो कोवलेंट जो बॉन्ड बनता है उस कोवलेंट बॉन्ड का 1/10 होती है जी. 1/10 का मतलब, या 1/20 भी कुछ लोग कहते हैं. यानी ये देखिए, ये कोवलेंट बॉन्ड है, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये शेयरिंग हुई भी है. सो दिस इज द कोवलेंट बॉन्ड. तो कोवलेंट बॉन्ड जो है ये इंट्रा मॉलिक्यूलर है, इंट्रा विद इन द मॉलिक्यूल. ठीक है, तो विद इन द जो मॉलिक्यूल फोर्सेस होती है वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, जिसमें आयनिक बॉन्ड भी आ जाता है, कोवलेंट बॉन्ड भी आ जाता है, डेटिंग बॉन्ड भी आ जाता है. हम लोग बात कर रहे हैं इन बिटवीन द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स. तो इन बिटवीन द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इंटर मॉलिक्यूलर होती है तो वो तो वीक होती है नॉर्मली. लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में से इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कोवलेंट बॉन्ड के समझने के 10th हिस्से तक पहुंच जाती है. यानी अगर कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो आप समझे 10 है तो इसकी 1 स्ट्रेंथ होगी. यानी यूनिट्स वगैरह में यूज नहीं कर रहा, आपको कंपैरिजन के तौर पे मैं बता रहा हूँ. ठीक है, तो इसका दूसरा पॉइंट लिखने, हाइड्रोजन बॉन्ड है स्ट्रेंथ और 1/10 ऑफ कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है, ये 1/10 या कुछ बुक्स में 1/20 भी लिखा होता है, तो दोनों आ जाते हैं. ठीक है, ये कंपैरिजन के तौर पे सिर्फ ना बताई होती है, ये तो एग्जैक्ट अमाउंट नहीं होती. ठीक है, तो 1/10 या 1/20 कोवलेंट बॉन्ड की जो है वो इक्वल होती है. अब अगली हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की कुछ कंडीशंस हैं. हर चीज हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकती. हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए 3 कंडीशंस जो है वो आपको चाहिए. वो कंडीशन अगर फुलफिल होंगी तो देन हाइड्रोजन बॉन्ड कुड बी फॉर्म. तो कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है जी, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की क्या क्या कंडीशन होती है. सबसे पहली कंडीशन मैंने आप लोगों को कल बताए थे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स. तो मैंने आपको बताया था कि क्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर ऑक्सीजन है दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे नाइट्रोजन है, फिर फोर्थ नंबर पे क्लोरीन है, फिर
नंबर पे ब्रोमीन है और सिक्स नंबर पे आयोडीन है। तो ये जो तीन है ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो ये वर्ड जो है ये क्या बन जाता है, यहां से याद कर लो, एफ ओ एन, फोन। यू हैव टू लर्न द वर्ड एफ ओ एन, फोन। ये फोन वर्ड याद करेंगे। सो फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहली कंडीशन क्या होती है कि मॉलिक्यूल्स के पास क्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन में से कोई एटम होना चाहिए, यानी एफ ओ एन। ये वर्ड आपको याद रहेगा तो आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग याद है, ठीक है जी। और कोई चीज नहीं होनी चाहिए, क्लोरीन आ जाए, ब्रोमीन आ जाए, आयोडीन आ जाए, तब आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए ये कंडीशन है, द थ्री मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन शुड बी प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, ठीक है जी। तो इसको लिखें, द थ्री मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स एफ ओ एन, ये फोन बन रहा है, क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन शुड बी प्रेजेंट इन आ मॉलिक्यूल, ठीक है जी। ये पहली कंडीशन है, यानी अगर आप चाहते हो कि मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तो ये तब होती है जब मॉलिक्यूल के अंदर इन तीनों में से कोई एक एटम जो है वो मौजूद हो, ठीक है जी। दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन ये होती है कि आपके पास पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन होना चाहिए, यानी हाइड्रोजन इस तरह पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है जी। तो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन का होना जरूरी है, और ये कोई जरूरी नहीं है कि वो हाइड्रोजन इनके साथ ही अटैच हो, इनके साथ भी अटैच हो फिर भी ठीक है, ना अटैच हो फिर भी ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये तीन एलिमेंट्स का होना जरूरी है। यहाँ पे कंक्लूजन है, अक्सर बच्चे कहते हैं कि हाइड्रोजन का इनके साथ अटैच होना जरूरी है, तो अटैच होना कोई जरूरी नहीं है, कि मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। ये तीन एलिमेंट्स में से कोई एलिमेंट हो किसी दूसरे मॉलिक्यूल में, अगर हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव मौजूद है तो तब भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको बल्कि वो बाद में बताता हूँ, यहाँ पे बताऊंगा यू पी पर गेट कंफ्यूज। तो दूसरा पॉइंट लिखें, द पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, यानी ये इस तरह शुड बी प्रेजेंट, ये दूसरी शर्त है। और तीसरी मेरे बच्चों शर्त क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की तीसरी शर्त ये होती है कि भाई ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनके पास लॉन्ग पेयर होनी चाहिए। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, ये देखिए ये एच और ये एफ है, ठीक है जी। इन्होंने एक-एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर किया है। अब क्लोरीन जो है ये ग्रुप सेवन का होता है, इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है तो बाकी छह इलेक्ट्रॉन इसके पड़े हुए हैं, ये तो भाई ये लॉन्ग पेयर है, ये लॉन्ग पेयर है, ये लॉन्ग पेयर है, तो ये आपके लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज आर द लॉन्ग पेयर, ठीक है जी। तो तीसरी शर्त क्या है कि ये क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इन तीनों के पास जो है वो लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का होना मस्ट है जी, ठीक है। तो इसको लिखते हैं, क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन शुड हैव लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिनके पास जो है वो होने चाहिए, ये तीसरी कंडीशन। अगर कोई चीज इन तीन कंडीशन को फुलफिल कर लेती है तो तब भाई आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, ठीक है जी। अब हम एक-एक करके जो है हाइड्रोजन बॉन्ड डिफरेंट चीजों के पहले बनाते हैं और उनको जो है वो डिस्कस करते हैं, और ये मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत ही सिंपलीफाइड तरीके से मैं समझाऊं,
यहाँ पे मैं डिफरेंट एग्जांपल्स दूंगा, ठीक है, वो एग्जांपल भी समझाऊंगा और उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी बताऊंगा, और उसके बाद इसको फिनिश करके वी विल डू द पासपोर्ट क्वेश्चंस, ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट माय डियर विद द फर्स्ट एग्जांपल्स, इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स डिस्कस करने जा रहे हैं। सो द फर्स्ट एग्जांपल दैट इज द हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, ठीक है जी। अब 2 मिनट के लिए एवरीबॉडी स्टॉप राइटिंग, क्योंकि पेपर में जब आ जाए तो आपने इसको इस तरह बनाना है। पहले एक बार तरीका देख लें, क्योंकि अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, दे आर अनएबल टू ड्रॉ दिस होल थिंग। तो इसको देख लें कैसे बनाना है। ये देखिए जी, ये H और ये F है, ठीक है, ये दूसरा H और ये F है। अब आपको पता है फ्लोरीन पार्शियल नेगेटिव होता है और हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ खींच के रखता है, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो है वो आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब थोड़ा और से देखते जाएं, ये फ्लोरीन के पास जो है 3 लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जी, 3 लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, ठीक है जी। ये मैं 3 बना रहा हूं, ये मैं ब्लू पेन से कर रहा हूं, नजर आ रहे हैं? ये देखिए, ये मैंने लॉन्ग पेयर बनानी है। अच्छा और से देखते जाओ, ये होता क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनता कैसे है। ये दो मैंने सिर्फ मॉलिक्यूल्स लिए हैं, और भी मॉलिक्यूल्स होंगे, मैं सिर्फ दो ले रहा हूं, ठीक है। अब होगा क्या, जहां से लॉन्ग पेयर है इस क्लोरीन का, वहां से हाइड्रोजन बॉन्ड ओरिजिनेट होते हैं, ये इस तरह डॉटेड लाइन की फॉर्म में शो करते हैं, ये डॉटेड लाइन, यानी ये फ्लोरीन से इधर हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव होगा। ये देखेंगे H और ये F, तो ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ठीक है, इधर से निकलेगा तो इधर भी हाइड्रोजन होगा, मैं वो बना नहीं रहा सारे, और ये हाइड्रोजन से फ्लोरीन की तरफ बनेगा। तो जहां जहां पे लॉन्ग पेयर है वहां से हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव की तरफ आप लोग ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने शुरू कर दो, ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए हैं सारे। इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं, कौन सी क्लास में थे? आने में लेट हो गया। आने में लेट हो गया ना किया कर यार। अच्छा जी, तो ये जहां पे लॉन्ग पेयर है वहां से हाइड्रोजन बॉन्ड टूवर्ड्स हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव जो है वो ओरिजिनेट होता है। तो अभी कैसे होता है इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। ये देखिए जी, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इस फ्लोरीन ने इसके साथ धोखा दिया हुआ है, इसके साथ जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनको ज्यादा अपनी तरफ रखा हुआ है, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया है। हाइड्रोजन बेचारा बड़े जलील हो रहा है, तंग है। अब ये जो साथ वाले मॉलिक्यूल का फ्लोरीन है ना, ये इस परेशान हाइड्रोजन को देखता है, कहता है यार तू परेशान ना हो, मैं तेरी हेल्प करता हूँ। अब ये इसको, ये अपना नॉन पेयर देता नहीं है, देता नहीं, उसको समझो कि चुकावा दे रहे हैं। सपोज करो कि मेरे सामने एक दोस्त खड़ा है, उसको 1,000 रुपए की जरूरत है, बहुत सख्त, मैं अपनी जेब से 1,000 रुपया निकालता हूँ और निकाल के उसके सामने, यार मुझे 1,000 रुपये चाहिए, यानी उसको मैं समझे कि चुकावा दे रहा हूँ, उसको दे नहीं रहा, बस ऐसे ही उसको दिखा रहा हूँ, कभी उसकी पॉकेट के पास लेके जाके उसको दिखा रहा हूँ कि ये पैसे बस आ रहे हैं, दे नहीं रहा, यानी उसको बस शो कर रहा हूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पे भी ये लॉन्ग पेयर इसको देता नहीं है, बस इसने इसको चकावे में दिया हुआ है कि बस मैं तुझे देने वाला हूं, तू टेंशन ना ले, समझ लगी है? तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, लेकिन इसके लिए शर्त क्या है? पहली शर्त कौन, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होने चाहिए। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी तरफ पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन होनी चाहिए, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन इस तरह का। और तीसरी शर्त क्या है? ये जो तीनों एटम्स हैं प्रोटीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनके पास नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तब हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है। अब यहां पे ये जरूरी नहीं कि HF के बीच में बनती है, मैं अगर हम लोग इसी को लेते हैं, ये HF डिसॉल्व इन वाटर, इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं HF को, ये देखते हैं, ये देखें, ये H और ये F है। वॉटर जो है वो क्या होता है, वॉटर का ये साइन होता है, इसमें ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है, ये हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, इसके पास लॉन्ग पेयर है, ठीक है जी, और ये ऑक्सीजन के पास भी लॉन्ग पेयर मौजूद है। तो भाई
यहां से इसकी तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए जरूरी नहीं है भाई एच एफ का ही एच हो, दूसरी तरफ कहीं पे भी हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव हो तो ये उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगा, ठीक है जी, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगा लाइक दैट। ये सारे हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं यहां से, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रही है, लेकिन जरूरी है कि हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव हो, पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव। पॉजिटिव, चाहे वो वाटर का हो या एथानॉल का हो या किसी भी चीज का हो भाई, तो वो चीज उसमें इसीलिए डिजॉल्व भी हो जाती है, समझ लीजिए बात की। तो ये इस तरीके से ये यहां से भी ऑक्सीजन भी देखिए कि बना सकते हैं, ऑक्सीजन भी आपका जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, तो ऑक्सीजन के लॉन्ग पेयर से भी हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ओरिजिनेट होते हैं, तो ये सारे के सारे हाइड्रोजन बॉन्ड है, दीज आर द हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है जी, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इस तरीके से ये सारे हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनते हैं, फ्रॉम लॉन्ग पेयर टुवर्ड्स द हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव वन हाइड्रोजन बॉन्ड दैट इज बीइंग फॉर्म। अब अगर हम लोग देखें ये एक एच एफ का मॉलिक्यूल है, इसने कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए हुए हैं, एनी वन ऑफ यू कुड टेल मी, एक एच एफ के मॉलिक्यूल ने कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए हैं, एक दो तीन चार, तो चार हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर वन मॉलिक्यूल जो है ना बने हैं, समझ लगी है बात की। यहां पे भी गिनने के देखें ये एक दो तीन और चार, ठीक है जी, तो जितने हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज्यादा होता जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, ये हमारी पहली एग्जांपल थी, ठीक है जी। अब दूसरी एग्जांपल हम लोग लेते हैं वॉटर की, H2O, ठीक है जी। H2O में आप देखिए ऑक्सीजन के साथ ही दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, मैंने आपको पहले बताया है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए फोन FON, तो ये देखिए जी ये ऑक्सीजन, इसके साथ भी दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यहाँ पे भी ये दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं लाइक दैट, ठीक है जी। दिस इज पार्शियल नेगेटिव, दीज आर पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव है, ये हाइड्रोजन जो है ये पार्शियल पॉजिटिव है, ठीक है जी। लॉन्ग पेयर बना दें, ये मैंने लॉन्ग पेयर बना दी, ऑक्सीजन के पास दो लॉन्ग पेयर होंगे क्योंकि ये ग्रुप सिक्स का है, दो इलेक्ट्रॉन शेयर करती है बाकी चार इलेक्ट्रॉन है, तो यहां से ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये सारे हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ओरिजिनेट हो रहे हैं, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव की तरफ जाएंगे और हाइड्रोजन से ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव की लॉन्ग पेयर की तरफ जाएंगे, तो इस तरीके से ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये बन रहे हैं, तो दीज आर द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है जी। अब इसके कंपैरिजन में मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, ये देखें ये CH3 या एथानॉल ले लेते हैं जी, C2H5OH, अब ये ध्यान से देखिएगा जरा सारे, ये देखें जी C2H5 ये O और ये H है, ठीक है जी, इधर भी H O और C2H5 है, ये ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, ये लॉन्ग पेयर बने हुए हैं, लॉन्ग पेयर, ठीक है जी। फ्रॉम ऑक्सीजन टुवर्ड्स हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, ये आपके हाइड्रोजन बॉन्ड ओरिजिनेट हो गए हैं जी, ठीक है जी, तो ये भी आपके हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब पेपर में ना एक क्वेश्चन आया हुआ है हाइड्रोजन बॉन्ड, पेपर में क्वेश्चन आया है, मेरा भी आप लोगों से क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ये वाटर है, ये एथानॉल है, दोनों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है, लेकिन वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एथानॉल, तो उसकी रीजन क्या होती है, ये देखिए जी एथानॉल का जो एक मॉलिक्यूल है उसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड आ रहे हैं, वन टू एंड थ्री, जबकि वॉटर का जो एक मॉलिक्यूल है मेरे बच्चों उसमें अगर आप देखें तो वन टू थ्री एंड फोर, तो इसके जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो ज्यादा है और इसके कम है, तो इसीलिए भाई इसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, समझ लगी है, तो ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका हुआ है।
why the melting point of water is greater than the ethanol, even though both are having the hydrogen bonds. उसकी रीजन मैंने आपको बताई है कि आप लोग चेक कर लें कि हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल किसके ज्यादा हैं, जिसके ज्यादा होंगे तो उसके हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, इसके ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है जी, एज कंपेयर टू एथेनॉल। डिड यू गेट इट? अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे एक मॉलिक्यूल बना रहा हूँ, जरा गौर से मुझे सोच के तुम लोगों ने बताना है। ये देखें जी, ये मैं एक मॉलिक्यूल बना रहा हूँ, CH3 CH2, इस तरह करके लिख रहा हूं, CH3 CHO। जहां पर भी CHO लिखा हो ना, ध्यान से सुनिएगा, दो मिनट के लिए लिखना छोड़ते हैं, सिर्फ इधर सुनिए पहले। ये देखिए जी, जहां पे CHO लिखा होगा ना, इसका मतलब क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O और H। ये CHO का मतलब होता है कि ये चीज एल्डिहाइड ग्रुप को शो करती है, कि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है जाके भी। लेकिन मैं आपको यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ कि CHO कहीं पे लिखा हो तो ये जो ऑक्सीजन है ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा और हाइड्रोजन इसके इस तरफ मौजूद है, तो ये एल्डिहाइड है। तो क्या मुझे कोई बताएगा कि ये जो एल्डिहाइड के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, क्या इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है? एनी वन ऑफ यू? नहीं हो सकती जी सर, हो सकती है या हो सकती है सर, या सब जी सर हो सकती है। ये देखिए जी, ऑक्सीजन है, ये पार्शियल नेगेटिव है, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है, तो भाई कैसे करेगा बोल? यहाँ पे तो कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है, हाइड्रोजन तो पार्शियल पॉजिटिव है ही नहीं, ये CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H, तो ये पार्शियल नेगेटिव है, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है, तो यहाँ पे तो परमानेंट डाइपोल डाइपोल हो, मेरी बात समझ लगी है? तो विद इन द मॉलिक्यूल्स नहीं हो सकती, लेकिन अगर इसी एल्डिहाइड को पानी में डिजोल्व कर दें, मतलब इसको पानी में डिजोल्व कर दें, एल्डिहाइड पार्शियल पॉजिटिव है तो डिजोल्व इन वाटर, इसको पानी में डिजोल्व कर देते हैं, अब क्या होगा देखिए जरा, CH3, ठीक है जी, सी डबल बॉन्ड ओ और ये एच है, ठीक है जी, और पानी जो है ये HOH है, तो पानी की ये पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है, और ये पार्शियल नेगेटिव, ठीक है, इसके पास लॉन पेयर भी मौजूद है, ये लॉन पेयर है, तो भाई यहां से ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड ओरिजिनेट होना शुरू हो जाएगा, तो पानी के मॉलिक्यूल के अंदर ये डिजॉल्व भी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये उनके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है, पेपर में ये क्वेश्चन आपको वो दे देता है, समझ लगी है बात की? इसको पानी में डालें तो ये पानी में क्यों डिजोल्व होता है, तो उसकी रीजन देख लें, इसमें ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल तो है ना, तो पानी के अंदर हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है, तो ये उसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, समझ लगी है? लेकिन अगर आपके पास इसी एल्डिहाइड के सिर्फ एल्डिहाइड मौजूद हो, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएंगे, बल्कि वो क्या बनाएंगे, परमानेंट डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि ऑक्सीजन तो है, लेकिन ऑक्सीजन देखें अटैच किसके साथ है, कार्बन के साथ, तो हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव दोनों मॉलिक्यूल्स में नहीं है, तो यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती, परमानेंट डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। अब लगी समझ मारिया? यहिया, डिड यू गेट इट? अच्छा जी, इसकी फिफ्थ एग्जांपल करते हैं, N2H4। ये देखिए जी, ये आपके पास दो N है, ठीक है जी, ये इसके हाइड्रोजन लगे हुए हैं बाय कार, ठीक है जी, ये दो हाइड्रोजन हैं, ये पार्शियल पॉजिटिव है और नाइट्रोजन पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है और नाइट्रोजन पार्शियल नेगेटिव है, इसके पास लॉन्ग पेयर भी है, ठीक है जी, एक और इस तरह का मॉलिक्यूल बना लें, N, ये H, H, N, H, H, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, ये लॉन्ग पेयर भी है, लॉन्ग पेयर भी है, तो भाई ये पार्शियल पॉजिटिव है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है, क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बताया फोन FON, क्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो पहली कंडीशन क्या है, नाइट्रोजन मौजूद है, दूसरी कंडीशन पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन भी मौजूद है दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर,
तीसरी कंडीशन लोन पेयर भी मौजूद है तो भाई हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड इनके बीच में जो है ना ये बनने शुरू होते हैं, मिलाता है, ये बनाना शुरू कर देंगे ये इस तरह। ये इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड्स आपके बनना शुरू हो जाएंगे। नहीं नाइट्रोजन तो इधर ऑक्सीकरण जरूरी नहीं पार्ट्स वाले हो, ये होते ही वही इनकी, ये मैंने कल बताया था, ये एलिमेंट्स क्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव भी क्लोरीन की सबसे ज्यादा है, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन, तीसरे पे नाइट्रोजन, चौथे पे क्लोरीन, पांचवें पे ब्रोमीन, छठे पे आयोडीन, तो ये इस सीक्वेंस से इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है द पावर टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, तो जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे दे ऑलवेज हैविंग द पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और दूसरी चीज पार्शियल पॉजिटिव होगी बेटा, जो भी इनके साथ जुड़ी हो, वो कोई भी हो, कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, कुछ भी हो। डिड यू गेट इट? जी चलिए आगे बच्चों, इसको भी अगर पानी के अंदर डिजोल्व करेंगे तो क्या ये पानी के अंदर डिजोल्व हो जाएगा? हो जाएगा, क्यों? क्योंकि पानी में हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव होते हैं तो ये उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना शुरू कर देगा, तो यहाँ से भी बनेंगे, पानी की ऑक्सीजन इनके साथ बना देगी, पानी की ऑक्सीजन इसके साथ बना देगी, तो हाइड्रोजन बॉन्ड सारी तरफ से बन जाएंगे तो वो चीज पानी में डिजोल्व हो जाएगी। समझ आ गई है बात की? अच्छा ठीक, अब हम लोग इनका कंपेरिजन कर रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में कितना फर्क पड़ता है, ठीक है जी? तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं, किसी कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है मेरे बच्चों, उसको हम कहते हैं हाइड्राइड। क्या कहते हैं? हाइड्राइड, ठीक है, यानी एनी कंपाउंड विच इज हैविंग द हाइड्रोजन इन इट दैट इज हाइड्राइड। तो हम लोग यहाँ पे ग्रुप 7 के हाइड्राइड लेते हैं जी, ग्रुप 7 हाइड्राइड्स, ठीक है जी? तो ग्रुप 7 के हाइड्राइड्स लेके और उनका बॉइलिंग पॉइंट चेक करते हैं। सबसे पहला एच एफ है, फिर एच सी एल है, फिर एच बी आर है, फिर एच आई है, और फिर एच ए टी है, सबके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है जी? एच एफ का जो ये आपका बॉइलिंग पॉइंट है, एच एफ का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, ठीक है जी? और उसके बाद एच सी एल का काफी कम है, और HCl से HAT की तरफ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। इसका क्यों सबसे ज्यादा है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, ठीक है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होने की वजह से आप लोग को कंपेयर कर लें कि बॉइलिंग पॉइंट कितना ज्यादा हो जाता है, और उसके बाद इनमें आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करता है, क्यों? क्योंकि इनके अंदर वो इंड्यूस्ड और परमानेंट डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस होती हैं, और वो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, तो क्लोरीन से ब्रोमीन आयोडीन एस्टाटीन इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल में बढ़ते जाएंगे तो वो आपकी जो उनको वंडरवाल फोर्सेस हम कहते हैं, तो वंडरवाल फोर्सेस बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है जी? तो यहाँ पे हम लोग इनको वंडरवाल फोर्सेस का नाम दे देते हैं। वंडरवाल में परमानेंट डायपोल डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल डायपोल दोनों आ जाएंगे, तो वंडरवाल फोर्सेस इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी? तो ये ग्रुप 7 के हाइड्राइड्स हैं। अब आप इसी तरीके से ग्रुप 6 के भी हाइड्राइड्स बना लें, उसमें भी सेम यही सीक्वेंस बनता है, ठीक है जी? इसको रख कर दो, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों के अंदर एक ग्राफ जी हाँ जी, मेल्टिंग का बॉइलिंग पॉइंट दोनों, असल में इनके बॉइलिंग पॉइंट इसलिए चेक करते हैं क्योंकि ये सिंपल मॉलिक्यूल्स है ना, तो सिंपल मॉलिक्यूल मुझे पता ही है नॉर्मली वो क्या होते हैं, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी लो होता है, तो हम लोग तो उनका आपस में देख रहे हैं ना कि जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आई है उसका ज्यादा है एज कम्पेयर टू जिसमें वंडरवाल फोर्सेस है, ठीक है जी? उसके बाद आ जाए ग्रुप 6 के हाइड्राइड्स, ये बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है जी? तो ग्रुप 6 में H2O, देन H2S, देन H2SE,
देन एच टू टीई एच टू पीओ, ये सारे ग्रुप सिक्स के हाइड्राइड्स हैं। तो एच टू का सबसे ज्यादा है और इनका कम है, और बाद में इनका बढ़ता चला जाएगा क्यों, वंडरवाल फोर्सेस इंक्रीज करती है। तो दिस वन इज अगेन हैविंग द हाइड्रोजन बॉन्ड एंड दीज आर हैविंग द वंडरवाल फोर्सेस, और वंडरवाल फोर्सेस इंक्रीज करती है विद द नंबर इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद ग्रुप फाइव में भी इसी तरह होता है। ग्रुप फाइव के ये वाला रख करके मैं बस वो लिख देता हूँ, यहाँ पे ग्रुप फाइव लिख रही हूँ। तो जितना वो कहते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है अगर वो सॉल्युबल है वाटर के अंदर, तो सॉल्युबिलिटी में इंक्रीज होती है ना। पक्की बात है, लेकिन वो उसके लिए चेक किया जाता है कि उसके अंदर वो कार्बन और हाइड्रोजन की चेन तो कोई लंबी नहीं है। अगर वो लंबी चेन हो और सिर्फ एक साइड के ऊपर वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो ऐसी चीज भी फिर सॉल्युबल नहीं होती, वो भी तुमने देखना होता है। समझ रही है? सी एच थ्री ए एस एच थ्री एस डी एच थ्री बी आई एच थ्री, इसमें भी वही हिसाब है जी। एन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एन एच थ्री में, बाकी सब चीजों में वंडरवाल फोर्सेस हैं विच इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी,